बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज के हम लोग लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे मेटास्प्लॉइट के। हमारे पास मेटास्प्लॉइट क्या होता है? हमारे पास मेटास्प्लॉइट एक टूल्स होता है। तो उसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग पढ़ते हैं मेटास्प्लॉइट। हमारे पास मेटास्प्लॉइट एक टूल होता है जो हैकिंग के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। तो हमारे पास होता है मेटास्प्लॉइट इज़ अ पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल। हमारे पास ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स होता है। अब हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिस तरह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग अभी के लिए ओवरव्यू कर दूँ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है कि हम लोग किसी सिस्टम या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जो स्कैन करते हैं कि उसको टेस्ट करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी कंपनीज के लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, किसी चीज़ में हम लोग जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर जो है हम लोग कोई वीकनेस फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। तो हम लोग वीकनेस क्यों फाइंड करते हैं? ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस क्या चीज़ है, ताकि अटैकर जो उसका बेनिफिट गेट ना कर सके। हमारे पास ये टूल होता है, इसके अंदर हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कोड को अगेंस्ट रिमोट टारगेट मशीन। यानी कि हम लोग, हमारे पास टूल होता है किसी, हम लोगों ने सिस्टम में किसी चीज़ के अंदर अगर हम लोगों ने उसका एक्सेस लेना तो हम लोग मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों ने अपना हैकिंग करनी है, किसी के ऊपर अटैक करना है, तब भी हम लोग जो है मेटास्प्लॉइट का यूज़ करें, इस्तेमाल करेंगे। मेटास्प्लॉइट हमारे पास जो होता है वो एक टूल होता है। तो इसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम लोग इसके मॉड्यूल्स को चेक करते हैं कि मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स क्या कौन से होते हैं। अब आपको सिंपली मेटास्प्लॉइट में ये बता दूँ कि हमारे पास एक हैकिंग के लिए टूल यूज़ किया जाता है जो काफ़ी पावरफुल होता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम्स के अंदर वल्नरेबिलिटी आए, हमारे पास अगर हमारे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास ये होल है, हमारे पास ये वल्नरेबिलिटी है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे अपना। हम लोग जो है, हम एक्सप्लॉइट का मेन मतलब ये भी होता है कि सिंपली जिस तरह जो है एक्सप्लॉइट कर दिया, धमाका खेज चीज़ें जिस तरह होती हैं एक्सप्लॉइट कर दी, यानी कि सिस्टम के अंदर हम लोग जो घुस गए किसी एक वल्नरेबिलिटी के फ़ायदे से। उसके बाद हमारे पास होता है पेलोड। पेलोड क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग ने एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट के बाद हम लोग ने अपना पेलोड, एक ऐसा कोड होता है जो रिमोटली वर्क करता है कि हम लोग अगर दुनिया की किसी और हिस्से में है या किसी और जगह पर है तो हमारे पास जो हमारा पेलोड है वो हमारे जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक जो है पहुँचाता रहेगा। उसके बाद इनकोडर। इनकोडर क्या होता है कि हमारा इस पेलोड को इस पूरे सिस्टम में एंड डिस्टिनेशन तक जो है वो इनकोडर रखता है, यानी कि इसको जो है क्रैश होने से बचाता है। एंटीवायरस वगैरह या कोई और सिस्टम अगर स्कैनिंग सिक्योरिटी में है उससे इसको महफूज रखता है, उसके अंदर स्कैनिंग के सिस्टम में ये हमारे पास नहीं आता। एक तरह का सिंपल हमारे पास जो है हमारा पेलोड जो है वो वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास होता है नॉब्स। अब नॉब्स क्या होता है, यानी कि नॉब्स जो है हम लोगों ने जो पेलोड सेंड किया है इस सिस्टम के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बिल्कुल एक्यूरेट अपने जिस हालत में हम लोगों ने सेंड किया था वैसे ही हो कि हमारे पास जो वीकनेस ना आ जाए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 64-bit का हम लोगों ने पेलोड सेंड किया तो ये ना हो कि इसके अंदर कुछ फाइलें करप्टेड हो जाएं तो 64 की बजाय हमारे पास जो है 38, 54 या इसका साइज जो है वो कम हो जाए, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में रहे, ये नॉब्स का काम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एविजन। एविजन हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जब हम लोगों ने अपने पेलोड्स को यहाँ पर सेंड करते हैं जो हम लोगों को बैकवर्ड डाटा जो है सेंड करेगा, आउटडोर पर डाटा जो सेंड करेगा, इसमें ये होता है कि जो सिस्टम के अंदर एंटीवायरस वगैरह होते हैं ताकि उससे भी हम लोगों को ये बचा के रखे, उससे भी ये इग्नोर करे कि अगर हम इस ये कोई एंटीवायरस वगैरह की स्कैन के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे भी जो है ये इसकी नज़र में भी ना आए। उसके बाद हमारे पास होता है पोस्ट। पोस्ट होता है कि अगर हम लोगों ने इस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हम लोग घुसे हुए हैं उसके अंदर कोई हम लोगों ने और ज़्यादा डाटा गेट करना है, और ज़्यादा मालूमात गेट करनी है तो हम लोग जो है अपना पोस्ट का यूज़ करेंगे। पोस्ट क्या करेगा कि हमें इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी मालूमात जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को दे देगा। तो ये होता है मेटास्प्लॉइट के कुछ टूल्स होते हैं। अब ये ना सिर्फ ये टूल्स नहीं होंगे, और डिफरेंट टूल्स भी हो सकते हैं, बट आपको एक आइडिया हो गया कि मेटास्प्लॉइट क्या होता है और इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह HTTP एंड HTTPS के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ें क्या होती हैं, ये वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो समझ आ गया हो तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।